तो ये सीडीआर टावर जिना एवेन्यू के ऊपर शानदार एक प्रोजेक्ट जो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 2-3 बेड प्रोजेक्ट है। आज आपको 2-3 बेड के प्रोजेक्ट की तफसील बताएंगे, यहाँ पर कितना डाउन पेमेंट देना है, कब ये मुकम्मल होगा, ये वीडियो में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन का ये है जिना एवेन्यू। जिना एवेन्यू 5 लेन रोड आप देख रहे हैं और पीछे बहरिया टाउन का मेन गेट है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, मेरे जैसा स्मार्ट आदमी तो वॉक कर लेता है। बिल्कुल इसके इस तरफ देखें, बहरिया के अपने अपार्टमेंट्स टावर 1, उसके बिल्कुल साथ जो बहरिया का अपना हॉस्पिटल है वो आपको बेगम अख्तर हॉस्पिटल वो नज़र आ रहा है। और अगर इसी तरह से मैं आपको मूव करवाता हुआ यहाँ लेकर आऊँ तो आपको आज लेकर आए हैं सीडी टावर में। सीडी टावर बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है, वो दिखाते हैं। सीडीआर टावर ये बिल्कुल सर्विस लेन है जिना एवेन्यू के साथ और यहाँ पूरी लेन में बिल्डिंग्स बन रही हैं और हम आपको सीडीआर टावर दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ये जिना एवेन्यू है, इसके बिल्कुल बैक पे कायद विलास और इकबाल विलास हैं और इसके बिल्कुल साथ Precinct 3 है। 2000 यार्ड के जो विलास हैं वो हैं। तो ये सीडीआर टावर जिना एवेन्यू के ऊपर शानदार एक प्रोजेक्ट जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बेसमेंट मुकम्मल हो गई है, ग्राउंड तक पहुंच गए। आइए आपको वर्क दिखाते हैं। इस वक्त भी काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ये देखें, जब भी चीज़ जब बेस मुकम्मल हो जाती है तो फिर इस तरह का काम शुरू हो जाता है कि साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के काम वो आगाज़ हो जाते हैं और बाकायदा जितना भी फ्रंटल है वो है। अब यहाँ पर आप देखें, बाकायदा पूरी की पूरी वर्क हो रहा है। शाम का वक्त हो गया उसके बावजूद काम चल रहा है। जब बेसमेंट मुकम्मल होती है उसके बाद ये बिल्डिंग बहुत तेज़ी के साथ खड़ा होना शुरू हो जाती है। आज हम ये रमज़ान मुबारक के आगाज़ में आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अब अगली वीडियो हम ईद के बाद जब आपको ये दिखाएंगे वर्क की सिर्फ, तो आप देखिएगा कि 1 महीने में कितनी तेज़ी के साथ ये आगे चल गया। यहाँ पर 2-3 बेड प्रोजेक्ट है। आज आपको 2-3 बेड के प्रोजेक्ट की तफसील बताएँगे और कितनी अमाउंट है यहाँ पर, कितना डाउन पेमेंट देना है, कब ये मुकम्मल होगा, ये वीडियो में बताएंगे। जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। सीडीआर टावर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बिल्कुल ये, और जिसकी बेसमेंट भी तैयार हो चुकी है और मामला चल रहे हैं, सीडीआर टावर बुनियादी तौर पर बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है। मुदस्सिर भाई, ये सीडीआर टावर है जो कि तकरीबन इसको काम स्टार्ट हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी ग्राउंड फ्लोर तक आ चुका है। जिस तरह आपने अभी बताया भी, जाकर मेन जिना एवेन्यू का बिल्कुल वो सामने गेट है, आपको 1 किलोमीटर से कम फासले का गेट है मेरे राइट साइड पे। मेरे बिल्कुल बैक पे सीडीआर है और बिल्कुल सामने हॉस्पिटल और बहरिया अपार्टमेंट टावर 1 यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये पूरे अपार्टमेंट्स जो हम देने जा रहे हैं और कुछ सेल आउट भी किए हैं, सारे जिना फेसिंग अब अवेलेबल हैं हमारे पास। 2 बेड अपार्टमेंट और 3 बेड अपार्टमेंट वो भी अवेलेबल हैं। तो जो 2 बेड अपार्टमेंट हैं उनमें भी काफ़ी अवेलेबिलिटी हमारे पास है, 3 बेड भी है हमारे पास अवेलेबिलिटी। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है और ये प्रोजेक्ट बनता हुआ प्रोजेक्ट अब तमाम लोगों के लिए है जिनका ये सवाल होता है कि हमें कुछ बनता हुआ चीज़ दिखाई जाए। और मेन जिना एवेन्यू पर मेन गेट से करीब, तो आज हम ये प्रोजेक्ट CDR लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर। बताइए इसकी तफसील जो है, अगर हम 2 बेड से आगाज़ करते हैं तो 2 बेड की प्राइस कितनी है जब ये लॉन्च हुआ, लेकिन अब क्योंकि किस्तें भी हो चुकी हैं, डिगिंग अमाउंट भी गुजर चुकी है, तो इसका पूरी जो डिटेल है वो बताइए। मुदस्सिर भाई, ये 1193 है, लेकिन अगर इसको हम 1190 स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। मैं आप तमाम लोगों को एक चीज़ बता दूं, साइज़ के बेड का 1100, 2 बेड है 1190 स्क्वायर फीट। बहरिया अपार्टमेंट्स जो बहरिया क्लेम करता है वो 1100 स्क्वायर फीट है, जिसमें एक पाउडर वॉशरूम भी है और अगर हमने पैरागॉन आपको दिखाया था वो भी आप देख लेंगे, या आपको डेस्कॉन दिखाया था, ये तमाम 1100 क्लेम किए जाते हैं, लेकिन ये अगर आप चेक करें तो ये थोड़े कम होते हैं। ये 1190 एक बहुत बड़ा साइज़ होगा जिसमें पाउडर वॉशरूम, प्रॉपर 2 बेडरूम, फिर बड़े वॉशरूम है और बेडरूम, कम से कम बेडरूम तकरीबन 12 बाय 13 और 12 बाय 12 का एक बड़ा अच्छा साइज़ बनता है, 12 बाय 12 का।
तो 2 बेडरूम है इसमें, 15 फ्लोर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। मेन जिना एवेन्यू फेसिंग अपार्टमेंट सारे अभी अवेलेबल हैं, यानी कि आपकी विंडो 2 बेड की हो या 3 बेड की हो, बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर खुलेगी। आगे भी कोई टावर नहीं आएगा, पीछे भी कोई टावर नहीं आएगा। सही। तो ये एक बड़े ज़बरदस्त साइज़ का अपार्टमेंट है जिस पर काम शुरू हो चुका है। क्या ब्रेकअप क्या है इस वक्त, इसकी अमाउंट कितनी है टोटल, और क्या डाउन पेमेंट देना होगी अभी फौरी तौर पर, किस्तें क्या है? देखें 30% डाउन पेमेंट है, अमूमन 20% होती है, लेकिन इसमें इसलिए 30% है क्योंकि अभी प्री लॉन्च और बुकिंग वो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब तो आपको ये पीछे काम होता नज़र आ रहा है, वीडियो में भी देख रहे हैं। तो जो इसकी डाउन पेमेंट है वो 32 लाख रुपए है। 36 महीने का प्लान था जो कि अब कम होकर 33 मंथ्स का प्लान रह चुका है। 3 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं तो आपको ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ 32 लाख रुपए देकर एक बनते हुए प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट्स में अदा करेंगे। अच्छा, टोटल कीमत अली कितनी बन रही है 2 बेड की? जो इसकी टोटल अमाउंट है जो आप पूरे 3 ईयर्स स्पैन में कंप्लीट करेंगे वो है 1,07,1,190 स्क्वायर फीट की, सिर्फ 30% जो बुकिंग करवानी है और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। अली ये तो महंगा नहीं है फिर प्रोजेक्ट स्क्वायर 95, 19 और हिल्स के मुकाबले में 2 बेड, ये 1,07,00,000 रुपए? अच्छा देखिए, 2-3 बातें हैं जो इसमें बताता हूँ। जितने भी हमने 2 बेड अभी तक किए हैं ना कवर अपने प्रोजेक्ट में, या जिसकी हमने मार्केटिंग राइट्स भी लेकर जिसको सेल की है, वो या 850 से 950 या बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 1,000 स्क्वायर फीट है। अगर आप एवरेज देखें तो 2 बेड 950 स्क्वायर फीट का होता है। बैरिया का अपना भी है, मतलब बिल्कुल सामने बैरिया अपार्टमेंट है जिसे ओल्ड 2 बेड भी कहते हैं, यहाँ भी 950 का है, लेकिन यहाँ पर ये अपार्टमेंट, यानी आप ये समझ लीजिए कि इस साइज़ में तो कुछ लोगों ने 3 बेड भी अनाउंस किए हैं, तकरीबन 1,200 स्क्वायर फीट है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है 1,200 स्क्वायर फीट का, मतलब जो इसका डिफरेंस है, 2-3 डिफरेंस है, मैं कंपैरेटिवली आपको बता देता हूँ। एक तो देखें, जितने हमने प्रोजेक्ट किए वो मेन गेट से तकरीबन 3, 4 या 5 किलोमीटर अंदर थे, लेकिन ये वो वाइज प्रोजेक्ट है जिसको अगर हम यहाँ से देखें तो सामने बैरिया का गेट नज़र आ रहा है। मेरे जैसा बंदा तो इतनी वॉक करता है जी, बिल्कुल। और इसका जो एरिया डिफरेंस है वो तकरीबन 200 से 300 है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पर स्क्वायर फीट पे जाएं तो पर स्क्वायर फीट सेम है, लेकिन चूंकि एरिया बढ़ गया इसीलिए मतलब इसकी अमाउंट या प्राइस में थोड़ा फ़र्क आया है। अलबत्ता डिस्टेंस के अतबार से करीब में लोकेलिटी या करीब में कंस्ट्रक्शन लेवल देखें या यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ तो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बैक साइड काइज विलाज है और तो फिर इकबाल विलाज है। सही। तो ये सारी चीज़ें प्लस करती हैं चीज़ों को। अच्छा अली, अवेलेबिलिटी के हवाले से, क्योंकि ये बन रहा है, बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी करवा ली है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, तो अवेलेबिलिटी किन फ्लोर्स पर है इस वक्त? देखें, बहुत सारे लोग ना बहुत नीचे भी नहीं लेना चाहते और टॉप पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि गर्मी है, कराची का मौसम ऐसा है और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी है या जो चीज़ें पसंद की जाती हैं वो आप ये समझ लीजिए कि 3rd से 7th, 8th floor या 9th floor तक चीज़ों को पसंद किया जाता है। ये मिड बनता है, इस बिल्डिंग के अतबार से बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास अगर आप 2 बेड बुक करवाना चाहते हैं 1,190 स्क्वायर फीट का, तो आपको वो 4th floor, 5th, 6th, 7th और 8th इन 5 फ्लोर पे 2 बेड अपार्टमेंट, सारे अपार्टमेंट जिना फेसिंग आप अगर लेना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर लें और आपको ये 2 बेड जिना फेसिंग मिल सकता है सीडीआर टावर। अच्छा अली, एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे हमने अपार्टमेंट देखे हैं, वो कहते हैं जी कि ये आपके बेडरूम है, तैयार है, पूरा वाइट वॉश किया, ठीक है, ये आपके बेडरूम्स हैं, ये आपके लाउंज है, ये आपका किचन है। किचन में कुछ नहीं होता है, वॉशरूम्स में भी कुछ नहीं, लोग खुद जाके लगा रहे थे। DHA में बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हमने देखी है, यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा बना के? जो चीज़ें आपको मिलेंगी हम आपको वो बता देते हैं, वो कोई भी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट कम से कम हम जो डील कर रहे हैं उसमें बता देता हूँ मैं। अब किचन में आपको कैबिनेट्स मिलेंगे जो नीचे आपको पता लगते हैं एल शेप या यू शेप अमूमन, और ऊपर जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं वो मिलेंगे आपको। सिंक मिलेगा, ठीक है, स्टोव, ओवन, ये कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर वॉशरूम की बात करूँ तो तमाम एसेसरीज, टॉयलेट, सिंक, आप शावर, टैप, ये तमाम चीज़ें आपको बिल्डर कंपनी या हम आपको जो प्रोजेक्ट हम बेच रहे हैं या जो प्रोजेक्ट के बारे में हम आप तमाम लोगों को आगाह करते हैं, में भी जो है वार्डरोब, वार्डरोब मिलेगी, लाइट्स मिलेंगी, इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आप खुद इंस्टॉल करेंगे। इवन जो कर्टन हैं वो भी हम नहीं देंगे, अलबत्ता लाइट्स, टैप या जो पूरी उसकी चीज़ें हैं किचन की, वॉशरूम की, वो हमारी तरफ से दी जाएंगी।
बहुत शुक्रिया अली, बड़ी तफसील के साथ आपने बता दिया है CDR टावर, और अगर आप बिल्कुल गेट के करीब और बहुत ज़्यादा आबादी के बीच में लेना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तफसीलात आपको मुकम्मल बता दी हैं, अगर मज़ीद तफसील जानना है तो मुसलसल नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।